हाय एवरीवन, रूपाली विद एवरीथिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज टेस्टी सा हम खास्ता कचौड़ी बनाते हैं, वो भी सत्तू की। तो इसके लिए हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए एक बड़े कटोरी से आटा ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम अजवाइन थोड़ा मसल के, उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और इसमें थोड़ा सा हम मीठा सोडा ऐड करेंगे और फिर डालेंगे हम 1.5 चम्मच इसमें घी और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। नमक ये सब सारे चीज़ मिल जाएंगे, फिर हम इसे गर्म पानी से आटा को गूँथ लेंगे। आटा ज़्यादा मुलायम और ज़्यादा ना ही कड़ा होना चाहिए, तो इस आटे को हम गूँथ लेंगे और इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। चलिए सत्तू की तैयारी करते हैं। तो पैन में तेल रखेंगे, हींग डालेंगे उसमें और फिर उसमें डालेंगे सौंफ, कुटी हुई धनिया, अजवाइन, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल के हम इसमें सिर्फ सूखे मसाले में हम मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे और नमक और ये जादू की पुड़िया जो है मैगी मसाले, इसमें सारे वो मसाले होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं सब्जी या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सत्तू। सत्तू भी हम 1 से 2 मिनट इसमें भून लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है भूनते समय। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये भून भी गया। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हम मिलाएंगे अमचूर्ण पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम भरने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बार हम फिर आटे को अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसकी लोई बनाएंगे और लोई बना के इसमें हम सत्तू भरेंगे। तो 1-1 चम्मच यहाँ हम सत्तू लेंगे और इसे अच्छे से दबा दबा के इसे हम अच्छे से हम पेड़े के जैसा बना लेंगे, इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो ये हमारी सारी बनके तैयार हो गई। अब चलिए हम इसे छानते हैं। तो तेल को हम ज़्यादा गर्म यहाँ नहीं करेंगे, फिर बारी बारी से हम डालते जाएंगे और इसे हम एक बार में नहीं, थोड़ी देर के बाद हम इसे पलटेंगे तो ये अच्छे से फूलती हैं, बहुत ही अच्छे से। ये बहुत ही अच्छे से फूल रहे थे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बारिश के मौसम में तो ज़रूर ही ट्राई करें आप। और इसमें कोई झंझट भी नहीं है आपको, ना दाल भिंगोने की ज़रूरत है, ना उसे तैयारी करने की ज़रूरत है, फटाफट ये बन जाती है। आप सुबह के भाग दौड़ में भी ये बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो बारी बारी से हम सब जो खास्ता कचौड़ी है हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसे सर्व करेंगे। आलू की सब्ज़ी आप बना लो या फिर चटनी के साथ आप खा सकते हो, या फिर जैसे भी आपका मन है आप खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगी थी ये, और ये है प्याज की चटनी और बन गई है मेरी खास्ता कचौड़ी। तो चलिए आइए एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब